ए टू जेड अपडेट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आज आपको यामा की MG125 के प्राइस, स्पेसिफिकेशन, लॉन्च डेट और उसके कलर्स और उसके रिव्यू के बारे में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बाइक के इंजन की बात करें तो इसमें 124cc का इंजन देखने को मिलेगा, वो भी सिंगल सिलेंडर और लिक्विड कूल इंजन आने वाला है। यानी कि 125cc में ये बाइक एंटर होने वाली है और KTM 125cc को टक्कर देने वाली है। इस बाइक के गियर बॉक्स की बात करें तो इसमें 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। हालांकि KTM 125cc में भी 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलता है, लेकिन अभी भी ऐसी बाइकें हैं, बहुत सारी बाइक है जिसमें 160cc होने के बावजूद भी 5 स्पीड ही गियर बॉक्स देखने को मिलता है। लेकिन ये थोड़ी प्रीमियम 125cc बाइक होगी जिसमें हमें 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। इस बाइक के पावर की बात करें तो इसमें 14.9 PS का पावर देखने को मिलेगा और वो भी 10,000 RPM पर। इस बाइक के टॉर्क की बात करें तो इसमें 11.5 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा और वो भी 8,000 RPM पर देखने को मिलेगा। यानी पावर और टॉर्क के मामले में ये बाइक 160cc के सेगमेंट को भी बीट कर सकती है। इस बाइक के एक्सपेक्टेड माइलेज की बात करें तो 47.6 KMPL का माइलेज लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अगर इंडियन रोड के हिसाब से देखें तो इसका माइलेज 42 या 45 के बीच में इसका माइलेज आसानी से मिल सकता है। और माइलेज के हिसाब से इस बाइक का फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें 11 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिले। इस बाइक में वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन का सिस्टम दिया गया है, यानी कि लो एंड और टॉप एंड में ये गाड़ी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाली है। इस बाइक के कर्व वेट की बात करें तो इसमें 142 kg का कर्व वेट देखने को मिलेगा। इस बाइक के क्लच की बात करें तो इसमें स्लीपर क्लच देखने को मिलेगा, यानी कि क्लच का रिस्पॉन्स बहुत ही स्मूथ रहने वाला है और कम एफर्ट में भी क्लच हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसमें डायमंड कट की फ्रेम दी गई है, यानी कि हाई स्पीड स्टेबिलिटी इसमें बहुत ही अच्छी मिलने वाली है और राइडर का कॉन्फिडेंस भी बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। इस बाइक के फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो इसमें 41mm के इन्वर्टेड फॉक्स देखने को मिलेंगे और रियर सस्पेंशन की बात करें तो इसमें मोनोशॉक का सस्पेंशन देखने को मिलेगा और वो भी एल्यूमिनियम स्विंग आर्म के साथ। इसमें टायर्स की बात करें तो इसमें मिशलिन के टायर्स देखने को मिलेंगे, यानी कि वो तो रोड ग्रिप बहुत ही अच्छी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें फ्रंट टायर 100 सेक्शन का, अगर रियर टायर की बात करें तो वो 140mm का हो सकता है और वो भी रेडियल टायर होगा, यानी कि रोड ग्रिप बहुत ही अच्छी मिलेगी और कॉर्नरिंग के टाइम को पर राइडर को कॉन्फिडेंस भी बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। हालांकि अभी देखें MT15 में तो उसमें रेडियल टायर नहीं मिलते, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर उसमें भी रेडियल टायर दे सकती है कंपनी। इस बाइक के फ्रंट ब्रेक की बात करें तो 292mm के फ्रंट ब्रेक देखने को मिलेंगे और रियर ब्रेक की बात करें तो इसमें 220mm के रियर ब्रेक देखने को मिलेंगे, यानी ड्यूअल डिस्क इसमें दी गई है और इसी में ड्यूअल चैनल ABS भी देखने को मिलेगा। और हाँ, बताऊँ एक बात, तो इसमें फ्रंट ब्रेक में रेडियल कैलिपर भी देखने को मिलेगा, यानी ब्रेकिंग तो इस बाइक में बहुत ही अच्छी रहने वाली है, यानी कि ये बाइक पूरी तरह से KTM 125cc को कम्पीट करती है। और इसी के साथ साथ इस बाइक में कलर स्कीम भी बहुत ही अच्छी मिलने वाली है, यानी कि MT15 में जो कलर स्कीम अभी है उसमें थोड़े चेंजेस करके और भी एग्रेसिव लुक MT125cc में मिलने वाला है, जिसमें 3 कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। उसमें फर्स्ट कलर ऑप्शन रहेगा स्टॉर्म फ्लियो करके है, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। उसी के साथ साथ आइकॉन ब्लू कलर का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। ब्लू कलर तो यामाहा का पहले से ही चला आ रहा कलर है और इसी के साथ साथ टैग ब्लैक कलर देखने को मिल सकता है। तो अभी इस बाइक के लॉन्च डेट की बात करें तो हो सकता है कि 2021 के मिड तक, यानी कि अगस्त तक ये बाइक इंडिया में लॉन्च हो सकती है। हालांकि अभी यह बाइक यूरोपियन मार्केट में अभी लॉन्च हो चुकी है, इसीलिए वैसा लगता है कि यह बाइक इंडिया में भी जल्दी ही आ सकती है। और इसी के साथ साथ इस बाइक की प्राइस की बात करें तो MT15 की प्राइस की देखें तो 1,60,000 के आसपास जा रही है, तो MT125 की प्राइस इंडिया में अगर आई तो उसकी प्राइस 1,30,000 या उसके कम, यानी कि 1,25,000 तक हो सकती है। तो अगर इससे अगर प्राइस ज़्यादा हुई तो ये इंडियन मार्केट में ज़्यादा नहीं चल पाएगी, इसलिए इंडियन मार्केट में अगर इसको बनाए रखना है तो 1,25,000 तक इसका एक शोरूम प्राइस होना चाहिए, और अगर इस प्राइस में आई तो ये KTM को तो आसानी से ही टक्कर दे देगी। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि अगर ये इंडियन मार्केट में आई तो इसका कैसा सेल होगा और इसका लुक सबको आकर्षित करेगा या नहीं, तो उसका कॉमेंट आप कॉमेंट बॉक्स में लिखे और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा। सो गाइस, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।